हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर 14 कर रहे थे, सबसे अच्छा पेट के प्रश्नोत्तर हमने किए थे, रिक्त स्थान किए हैं। आज उसी के अंदर कुछ देखिए पत्तियां दी हुई है। ये पत्तियां हमें पहचाननी है कौन से पेड़ की है, और इन पत्तियों को पहचान कर हमें उनके नाम लिखने हैं। ओके, ये पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। आपके पेज नंबर 27 निकालिए, सॉरी 127, पेज नंबर 127 अपनी बुक का निकालिए। ये पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र में मिलाओ। सिर्फ आपको मिलान करना है पत्तियों को वाक्यों के साथ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखो। अगर पत्ती आप पहचान सक रहे हो तो उसका नाम भी लिखना है कि कौन से पेड़ की पत्ती है। ओके, पत्ती का नाम नहीं होता है, पेड़ का नाम होगा। आपको लिखना होगा कि अशोक के पेड़ की है या कौन से पेड़ की। ओके, नीम के पेड़ की, किसकी है। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है वो दिया हुआ है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। यह आपको स्क्रीन पे सेकंड वाली दी हुई है, यह हमें दिखाई दे रही है, लंबी पतली जो आगे से नुकीली है, ये वाली भी है। ये पत्ती किसकी है, मुझे तो आराम से समझ आ रही है, आप भी इजीली इसको समझ जाओगे। तो आपको खुद को ही पहचान कर लिखना है। ये एक तरह की आपके क्रियाकलाप है, अर्थात एक्टिविटी है आपकी, आपको खुद ही करना है। एक पत्ती ये वाली है बिल्कुल गोल गोल फर्स्ट में, तो ये तो इसके साथ आएगी नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है लंबी पतली नुकीली आगे से। ठीक है, वो वाली आपको देख रही है। नेक्स्ट है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। अब देखिए, नीचे से गोल आगे जाके क्या हो जाती है, नुकीली हो जाती है। ये जस्ट इसके सामने वाली पत्ती मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है, नीचे से गोल और आगे जाके नुकीली दिखाई दे रही है आपको। हाँ, इसके जस्ट सामने वाली पत्ती ऐसी ही है। आपको मिलान करना है और उसका नाम लिखना है कि किस पेड़ की पत्ती है, जिसके किनारे लहरदार हैं। अब देखिए, लहरदार किनारे वाली ये इसके जस्ट नीचे वाली है, किनारे लहरदार हैं, है ना। और गोल पत्ती, गोल पत्ती हमने फर्स्ट में देखी थी, गोल पत्ती और किसकी होती है, ये इनके नाम भी आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको देखिए पेज नंबर आप निकालिए 128। पेज नंबर 128 पे है, आओ बने खोजू बने, यानी खोजना सीखे। किस तरह से हम खोजते हैं चीज़ों को, खोजू का मतलब यही है। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। ठीक है, दूध जैसा रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है तो बरगद का पेड़ होता है, उनके जो पत्ते हम तोड़ते हैं उनमें से भी निकलता है, उनकी टहनी तोड़ते हैं तब बरगद के पेड़ से भी दूधिया रस निकलता है। और मैंने आग का पौधा देखा है, आग का पौधा होता है ना जिसपे धतूरा लगता है, उस पे भी दूधिया रस निकलता है। और आप लोगों को और जानकारी लेनी है घर पे आप पूछ सकते हैं, और खुद भी कुछ पौधों के बारे में आप जानते ही होंगे। और नेक्स्ट है इसमें, जो चिकनी होती हो ये भी देखना है। तो जो बरगद का पेड़ होता है उसकी थोड़ी चिकनी होती है, जिन पत्तों की नसें उभरी हुई होती हैं, बरगद के पेड़ के पत्ते हैं उनकी नसें ही उभरी हुई होती हैं। ठीक है, आप देखना उनके पत्तों को, और भी होते हैं ऐसे पत्ते बहुत से, तो सिर्फ ये जानकारी के लिए है, करना कुछ नहीं है आपको इसमें। और कैसे पढ़े नाम, ये देखिए नेक्स्ट है, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, यानी ब्रश मंजन से साफ करते हैं टूथपेस्ट से, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। ठीक है, अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। दातुन इसका नाम क्यों है, क्योंकि दांत साफ करते हैं उससे, इसलिए दातुन नाम पड़ा है। छलनी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इससे छाना जाता है किसी भी वस्तु को,
इसलिए इसका नाम छन्नी पड़ा है। मथनी, मथनी नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि हम इसे इस मथनी से किसी भी चीज़ को मथते हैं, जैसे दही को, मट्ठे को, इनको मथते हैं, घी निकालते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मथनी। अब यहाँ पे देखिए है प्रश्न आपका, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है, आपको ये पहचानना है। देखिए सबसे पहले इरेजर दिखा रखा है, इसको कहते हैं रबर हिंदी में, रबर किससे बना है, उसके पौधे का नाम बताना है। ये छजला है, छजला किससे बना, बांस, बांस की जो सरकंडे होते हैं उसी से बनता है। बाकी जो काठ की माला दी हुई है ये किससे बनी है, चटाई पेपर किससे बना हुआ है, और इधर ये जो लट्टू दिखाया हुआ है वो किससे बना हुआ है, काठ से बना हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें किन से बनी हुई हैं, पौधों से ही, पेड़ों से ही आखिरकार ये बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जानकारी आपको लेनी है, कुछ जो रिक्त स्थान भरने हैं वो आप भरेंगे अपनी पुस्तक में, नोटबुक में आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ बुक में करना। थैंक यू।